हाँ जी, तो ठंडी की ट्रेल में देर रात में हमारी टूरिज्म की टीम आ चुकी है एक और नया व्लॉग बनाने। कहाँ पर आए हैं? मलाई रोल खाने के लिए। हम लोग मलाई रोल खाने के हैं, नवकार मलाई रोल जिसका नाम है और बहुत विख्यात है कहाँ पर, बड़ा फॉरम है। तो चलिए आपको इसकी लोकेशन एक बार दिखा देते हैं। लोकेशन बाद में दिखाएंगे, पहले माल दिखाते हैं फिर लोकेशन दिखाते हैं और भैया से बातें करते हैं कैसे वो बनाते हैं। पूरे जबलपुर में मैंने कभी देखा कि कहीं मलाई रोल मिलता भी है। बहुत फेमस है, बहुत फेमस है यहाँ पर। मतलब जो निकलता है ना उसका मन करता ही है यार ये दिख गया ना तो बस खाना ही है। तो चलिए भैया से बात करते हैं और उसके बाद अपना मलाई रोल टेस्ट करते हैं। तो हमारे भैया, भैया नाम बता दीजिए। अनिकेत केशरवानी। कितने साल से लगा रहे हैं आप ये? ये 50 ईयर्स ओल्ड शॉप है। अच्छा, पहले पापा लगाते थे। हाँ। अभी भैया सेल कर रहे हैं। क्या प्राइस रहता है मलाई रोल का? मलाई रोल का 20 के 2 रहते हैं एक्चुअल में। अच्छा। 2 पीस का पेयर रहता है अपना। अच्छा। हाँ। प्राइस क्या रहता है? 20 रुपीज़ रहता है। 20 रुपीज़, सिर्फ 20 रुपीज़ में मलाई रोल। उसमें रबड़ी भी डलती है? रबड़ी विदाउट रबड़ी रहता है, रबड़ी के साथ रहता है 45 का। रबड़ी के साथ रहता है 45 का, यहाँ पर ये रबड़ी रखी हुई है रबड़ी के साथ। और वो है नॉर्मल मलाई रोल, वो 20 रुपीज़ के 2 रहते हैं। हाँ। अच्छा, और एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस शीश महल के जस्ट सामने, फुहारा। फुहारा है शीश महल के सामने। और भैया सब क्वालिटी प्रोडक्ट्स रहते हैं जी, एकदम मिल्क, प्योर मिल्क, प्योर फलाहारी आइटम है, फास्ट का आइटम है, फास्ट फूड है टोटल। अच्छा, फलाहारी आइटम है जो रात में नहीं खाते उनके लिए बहुत अच्छी जगह, जैसे जैनिज्म के लिए जैन लोग ज़्यादा पसंद करते होंगे मलाई रोल। तो मैं भी जैन हूँ और ये मेरे को दिख गया, तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो भैया आपका आइडिया कैसे आया कि जबलपुर में ये चीज़ लगानी है? ये एक्चुअल में मैं यहाँ पे ऐसा सेल्समैन हूँ जिनकी शॉप है वो उन्होंने मतलब बाहर से वो आए थे ये चीज़ खोलने के लिए। यहाँ पर उन्होंने ओरिजिनेट किया था जबलपुर में मलाई रोल। मेन शॉप ये है जो कि बड़ा फोरा में है। तो चलिए अब हम लोग अपना मलाई रोल विथ रबड़ी टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसा है। तो भैया बनाइए, कैसे बनता है ये? जी आपके सामने बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये भाई साहब ये ले लिया रबड़ी। ये रबड़ी काहे की बनती है भैया? रबड़ी प्योर दूध की रहती है। अच्छा, दूध को बहुत फेटा जाता है उसके बाद रबड़ी बनती है। और यहाँ पर ये 2 पीस उठा के इसमें डाल दिए। ओ भाई साहब, तो यहाँ पर ये रेडी हो चुकी है और इसमें आएगी हमारी स्पून। यस, तो इसमें आएगी हमारी स्पून और ये रेडी हो चुकी है। तो चले अब इसको टेस्ट करते और आपको बताते हैं कैसी है। हाँ, तो हमारा मलाई रोल यहाँ लग चुका और रबड़ी बह रही है भाई, इतनी मज़ेदार रबड़ी डाल के दी है और एकदम प्योर रबड़ी है, गाड़ी सी जैसा आपने देखा भैया ने चलाया तो कितनी मुश्किल से चली क्योंकि बहुत ही गाड़ी होती है। तो ये भैया ये रोल का एक रहता है रोल, खुरचन खाया होगा, रिवर सतना साइड। अच्छा, खुरचन सतना की बहुत प्रसिद्ध मिठाई है, वहाँ से खुरचन से बनता है जी, खुरचन ही का मलाई रोल बनता है। अच्छा, खुरचन का मलाई रोल है, 45 रुपीज़ इसकी प्राइस है, तो जबलपुर में बहुत रेयर आइटम है। तो चलिए एक अपन इसको उठा के टेस्ट करते हैं, कितना बड़ा है यार, मज़ेदार है, देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब भैया यार मुंह में जाके घुल जाता है यार, ये चबाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है और एकदम से घुल जाता है, गायब हो जाता है, लेकिन एकदम प्योर है, सब चीज़ प्योर है, हाई क्वालिटी की है। आपको सस्ता माल जबलपुर में कहीं नहीं मिलेगा, सब जगह अच्छा और बेहतरीन माल मिलेगा। तो आपको भी यहाँ आना, तो बड़ा फॉर आइए और टेस्ट करिए। तो चलिए अब इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत ज़्यादा फूडीज़ हैं हम।